वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक शर्मा। तो आज हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने क्रैश कोर्स के अंदर एक नया टॉपिक को, जो कि है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को, तो ये आपको 15 नंबर, मोटा मोटा 15 नंबर तो दिलाता ही दिलाता है। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से इसको देखिएगा। बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। एक्चुअल में क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट? बात हो रही डिसीजन मेकिंग। डिसीजन का मतलब क्या होता है कि कुछ एक कंडीशन होगी, कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कंप्यूटर को हम फोर्स करते हैं, कंप्यूटर से हम कहते हैं कि एक कंडीशन है आपके सामने, इसके बेसिस पे आप क्या लो, एक पर्टिकुलर डिसीजन लो। फाइन, सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है आज आपका टॉपिक, आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। फाइन, सो बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है इसके अंदर, जो बेसिक आता है, इफ एल्स आता है। सबसे जो बेसिक चीजें आती है वो कौन सी आती है? इफ एल्स आती है। उसके बाद दूसरा आता है आपका टर्नरी, दूसरा आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर्स, और तीसरा आता है स्विच केस। सो तीन आपके जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इफ एल्स होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, और स्विच केस होता है। स्विच केस को हम क्या कहते हैं? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। हम इसको क्या कहते हैं? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। सो फाइन, अभी हम लोग बढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे इफ एल्स के ऊपर पूरा का पूरा हम लोग कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इसका इफ एल्स का बात करेंगे। इफ एल्स एक्चुअल में होता क्या है? हमने कहा कि कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंडीशन के ऊपर डिसीजन मेकिंग बोलते करने के लिए। तो कंडीशन क्या होती है अभी हम लोग बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इफ का मतलब क्या होता है? अगर। इफ का मतलब क्या होता है? अगर। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, और else की अगर हम लोग बात करेंगे तो else का मतलब नहीं तो। ठीक है, आपको करना क्या होता है? if का मतलब एक कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये करना है। else का मतलब क्या हुआ? अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो नहीं तो। else का मतलब क्या हुआ? नहीं तो। अगर नहीं हुई तो आपको क्या करना है? फाइन, तो if else के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखेंगे, कुछ कंडीशन रखेंगे, और उसे कहेंगे कि आपको क्या करना है भाई, डिसीजन लेना है। और डिसीजन लेके अगर डिसीजन ट्रू होता है तो आपको ये करना है, डिसीजन ट्रू नहीं होता है तो ये करना है। और आगे और भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे इफ केवल आप इफ को इंडिपेंडेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, और आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं। इफ लगाया आपने, इफ एल्स लगा दिया, आफ्टर दैट कहलाता है आपका इफ एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स, ये एक तरीका हो जाता है। फाइन, तो ये पहला तरीका इफ एल्स को यूज करने, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथे तरीके में आपको नेस्टेड आ जाता है इफ, फिर इफ अंदर, फिर एल्स, कुछ इस तरीके से। हम लोग आगे जैसे जैसे प्रोग्राम में बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे देखते रहेंगे। तो मोटा मोटा अभी आपको आइडिया लग गया कि इफ एल्स होता क्या, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ एल्स इज नथिंग बट व्हाट, आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर इफ के किसके लिए स्टैंड करता है, ट्रू वाले कंडीशन के लिए, और एल्स कहां पे होता है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती। फाइन, अब हमने बार बार बोले कंडीशन, कंप्यूटर में कंडीशन क्या होती है? कंडीशन जो होती है कंप्यूटर के अंदर, एक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, उनकी हेल्प से बनाया जाता है। कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे? रिलेशनल ऑपरेटर्स, उनकी हेल्प से हमें क्या बनाया जाता है, यहाँ पे कंडीशंस बनाई जाती हैं। फाइन, तो बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की। नाम बता रहे हैं रिलेशनल, तो रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन का मतलब होता है कि एक वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू बी है, इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो रिलेशन क्या हो सकता है? या तो ए बी से बड़ा हो सकता है, या फिर बी ए से छोटा हो सकता है, या फिर क्या, जैसे, या फिर क्या हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज व्हाट, इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये चार कंडीशंस बनती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। जो हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी रिलेशनल ऑपरेटर्स होती है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अब मैं यहां पे और अच्छे से समझा रहा हूं। जो आपके बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, आपका लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो कंडीशंस क्या होती है, जब भी कभी हम लोग दो या फिर उससे ज्यादा वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हैं वो कहलाता है हमारा क्या, कंडीशन। कंडीशन इज नथिंग बट व्हाट, रिलेशन बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं, देखिए यहां पे जो वैल्यूज यूज हो रही है क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड कहलाते हैं। जो वैल्यूज हमारे किसी एक वैलिड एक्सप्रेशन के अंदर यूज होती है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेंड कहलाता है। तो यहां पे आपको एकदम बेसिक क्लियर हो गया होगा कि डिसीजन मेकिंग में हम लोग करते हैं क्या है, कुछ कंडीशंस की हेल्प से इफ एल्स लगाते हैं। इफ एल्स के अंदर वो कंडीशन बनती कैसे, रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से। सपोज अब इसको, इसके अंदर हम लोग कौन कौन से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, और आपका नॉट इक्वल टू। इसका प्रॉपर तरीके से पूरे एप्लीकेशन में प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। फाइन, पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम होती, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम होती, एकदम मैं बेसिक से तभी ट्राई करूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइन, तो बढ़ते हैं आगे, इतना नोट डाउन हो गया। फाइन,
अब हम लोग एक प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी हेल्प से हमें और अच्छे से समझ आएगा। प्रोग्राम ये है कि आपको एक्सेप्ट कराना है दो नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड प्रिंट द ग्रेटर ऑफ इट। आपको क्या करना है, ग्रेटर ऑफ इट, दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है आपको ये प्रिंट कराना है। फाइन, तो देखते हैं कैसे होगा ये प्रोग्राम। सबसे पहली जो बेसिक चीजें होती है वो क्या होती है, हमारी इंपोर्ट एंड ऑल। तो देखेंगे यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट, इसका मतलब हर एक चीज का क्या होता है, मैंने इसके पहले वाले प्रोग्राम में दिखाया था, इसके पहले वाली वीडियो, तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक एक लाइन का सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। फाइन, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, उसके बाद फिर डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। क्लास का नेम हम लोग सपोज बना देते हैं ग्रेटर, क्लास का नेम हमने क्या बना लिया, ग्रेटर। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, आफ्टर दैट मेन लिखेंगे यहाँ पे। फाइन, इससे क्या हो जाएगा, हमारा मेन मेथड से क्या होता है, यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब हम लोग लेंगे स्कैनर क्लास, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। जिन लोगों को नहीं पता है, स्कैनर में आप कैसे भी आइडेंटिफायर्स की वैल्यूज को लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट का नेम है। फाइन, ये ऑप्शनल होता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, तीन दो नंबर हमें लेना है, ए कॉमा बी, हमने दो नंबर ले लिए। ऑब्वियसली बात है, ग्रेटर ऑफ टू नंबर बोला गया तो कोई तीसरे नंबर की तो यहाँ पे नीड होगी नहीं, तो दो नंबर हम लोग ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर टू नंबर्स। फाइन, डबल कोट्स के अंदर इसको रख देंगे, ए इज इक्वल टू व्हाट, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। उसके बाद यहीं पे आगे कंटिन्यू कर देना, बी इज इक्वल टू व्हाट, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। आप लोग अलग अलग लाइन में लिखिएगा, ज्यादा बेटर लगता है। फाइन, ए इज इक्वल टू व्हाट पहला नंबर एंट्री होगी, दूसरा नंबर एंट्री होगी। अब बात आती है ग्रेटर ऑफ टू नंबर बोला गया है, तो ए देखिए कैसे बनेगा ये, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन बनी कि नहीं बनी, मैं कह रहा हूं ए बी से बड़ा है, ये क्या हो सकती है, एक बुलियन कंडीशन है, या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। तो अगर बड़ा है तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, इफ के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, इफ की बॉडी ओपन करते हैं। फाइन, तो हमने इफ की बॉडी ओपन की, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए ए की वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी इज ग्रेटर। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अभी अच्छे से ड्राई रन करके बताऊंगा, पहले समझने की कोशिश करिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट होके आएगा, मतलब ए अगर बी से बड़ा है तो भाई ये प्रिंट कराना, एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए। आपको क्या बोला गया है कि अगर एल्स, दैट मींस अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा, एल्स में वहां पे उसके सामने कंडीशन आ रही, कंडीशन क्या है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो आप क्या करोगे यहां पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज ग्रेटर। बात किसकी आ गई यहां पे, कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आगे चेक कराए क्या बी इससे बड़ा है, समझ आ रही नहीं अच्छे से, क्या है पहले हमने कंडीशन लगाई, उसके बाद अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स के अंदर आएगा, अगर नहीं तो फिर ये कंडीशन, अगर ये भी ट्रू नहीं, ना पहला नंबर बड़ा है ना दूसरा नंबर बड़ा है, तो हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, यहां पे एक एल्स लगा देंगे, लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, एक एल्स लगा देंगे, एल्स एसओपी एल एन, यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोथ आर इक्वल। बात ये आती है ना, पहला वाला बड़ा है ना दूसरा वाला बड़ा है, तो सिंपल सा एल्स, सिंपल सा एल्स लिखने का मतलब क्या हो गया, नहीं ये बड़ा है नहीं ये बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है ये चीज होगी। फाइन, इतना अच्छे से सबको क्लियर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। ड्राई रन करा के देखते हैं, ए की वैल्यू हमने दे दी 9, बी की वैल्यू हमने दे दी 17। तो सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 9, बी की वैल्यू आ गई क्या 17। अब कंडीशन ये वाली चेक करेगा ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ये वाली क्या आ जाएगी यहाँ पे, फॉल्स आ जाएगी। फॉल्स आते ही कहां पे जाएगा, एल्स के अंदर चला जाएगा, एल्स इफ कंडीशन ये वाली ट्रू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बी इज ग्रेटर, दैट मीन 17 एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा इज ग्रेटर। कोई डाउट है यहाँ पे, अच्छे से होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है इफ एल्स का कांसेप्ट। इफ एल्स के अंदर जो कंडीशंस रखती कुछ नहीं होती, केवल रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से हमें कंडीशन फॉर्म कर देते हैं। कंडीशन ट्रू हुई तो यहीं पे करके इसके अंदर नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे यहाँ पे चेक कराएगा, और अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो दैट मीन्स एल्स के अंदर नहीं जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे, मतलब ये सब आपस में इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कि अगर एक ट्रू होगी तो बाकी सारे आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फाइन, उसके बाद फिर हम लोग क्या हो गया, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए की वैल्यू 19 है, बी की वैल्यू क्या है आपकी 19 है, तो पहली वाली कंडीशन फॉल्स ऑब्वियसली हो जाएगी, दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स, तीसरा एल्स में आके क्या प्रिंट हो जाएगा, बोथ आर इक्वल। कोई डाउट है यहाँ पे, अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरी कंडीशन, अगर ए की वैल्यू क्या है 15 है और सी की वैल्यू क्या है 9, और बी की वैल्यू क्या है 19 है, तो पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बाकी किसी पे नहीं जाएगा। सो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी इशू होता है प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसके ऊपर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।